हेलो मेरे भाई बहनों, सलाम आदाब सत श्री अकाल। आज मैं चल रहा हूँ मुजफ्फरपुर के सरकारी बस स्टैंड इमली चट्टी। तो गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू सपोर्ट माई ब्लॉग चैनल। तो हमारे चैनल पर बने रहे, आपको सफर ब्लॉग नेशनल इंटरनेशनल का बुकिंग कराएगा। तो आपको हम जो मुजफ्फरपुर की खूबसूरती और फिर आने वाले वक्त में इंडिया की खूबसूरती और उसके बाद फिर नेशनल इंटरनेशनल की खूबसूरती सब आपको दिखाएगा। तो अभी हम चलते हैं मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड, जो सरकारी बस स्टैंड कहलाता है वो है इमली चट्टी बस स्टैंड। वो है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट में, बगल में। तो चलते हैं वहाँ से कहाँ कहाँ की बसें जाती हैं और वहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट करें पूरा पूरा और लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपको चलते हैं। गाइस, तो हम फाइनली आ गए हैं बिहार राजपथ परिवहन निगम मुजफ्फरपुर। आप देख पा रहे हैं यहाँ से सरकारी बसें जाती हैं। देख पा रहे हैं आप बस पर भी देख रहे होंगे, पटना गांधी मैदान, पटना जंक्शन मुजफ्फरपुर, पटना गांधी मैदान। यही है इमली चट्टी का बस स्टैंड। ये इमली चट्टी बस स्टैंड आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मोतिहारी, बेतिया, मेल, मुजफ्फरपुर, ये सब ठेले पर आप देख रहे हैं, ये सब खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। उधर आपको झारमूली, चूरा वगैरह सब मिल रहे हैं। इधर जूस वगैरह सब, पपीता वपीता, खीरा पानी सब यहाँ जो है लोग बेच रहे हैं। कहाँ कहाँ की बसें जाती हैं? मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीवान जी, पटना। सबका किराया बता सकते हैं? किराया ना, किराया किराया सबका नहीं बता सकते हैं, नॉलेज नहीं है। नहीं तो जो प्राइवेट बसें जो है बैरिया बस स्टैंड, हाँ। उससे तो कम होगी ना किराया? हाँ। जैसे अभी पटना, जैसे यहाँ से मोतिहारी का किराया 116 रुपये है इस बस से, इस बस से। और पटना का? पटना का मालूम नहीं, पटना का शायद प्राइवेट से शायद के 150 के आसपास। हाँ। माने उस प्राइवेट बस से इसका लो में है, रहता है। कितना लो रहता है? जैसे उसका 100 रहा था, इसका 50 रहा। हाँ, आधा रहता है कि थोड़ा सा का फर्क रहता है? अब ये जो 300 उसका है तो 220 पटना मोतिहारी से। आप इस पर ड्राइवर हैं? और कितने सालों से इसकी सर्विस में? अभी तो 15 दिन हुआ बस। इससे पहले? इससे पहले तो बाहर चला रहे थे। कहाँ थे आप? वो गुवाहाटी से जोरहाट चला। अच्छा, गुवाहाटी के तरफ थे आप। उधर की रोड तो हाई फाई अच्छी है। ये मुजफ्फरपुर शहर का सरकारी बस स्टैंड, अभी भी हमने उसकी वीडियो बनाया है, बैरिया बस स्टैंड। काफ़ी ज़मीन वगैरह भी उसकी खुदाई चल रही है और उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए कि स्मार्ट सिटी है तो तमाम चीज़ों को स्मार्ट के नाम पर जो है तैयार किया जा रहा है। चलिए, आपको फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। तो ये देख रहे हैं ये शौचालय है, ये इमली चट्टी बस स्टैंड का शौचालय। आपको ज़रूरत है तो यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है यहाँ से टिकट वगैरह लोग लेते हैं, बैरिया बस स्टैंड का टिकट घर हुआ ये। सैदपुर और औराई डुमरी की बसें हैं ये, जो प्राइवेट, और ये सीतामढ़ी की बसें हैं जो प्राइवेट बस स्टैंड, जो बैरिया बस स्टैंड से जाती हैं। उसकी किराया और इसके किराए में थोड़ा डिफरेंस होता है, और प्राइवेट बस स्टैंड से जो बसें जाती हैं वहाँ के किराए कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ की बसें
का किराया कुछ कम होता है। आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फरपुर लखनऊ चार बाग, तो यहाँ से लगी तो है लखनऊ की बसें भी। अब देख पा रहे होंगे सब ये पानी नल वगैरह भी लगे हुए हैं, और वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि साहिबगंज की जो मोतीपुर से आगे है वहाँ की बसें लगी हुई हैं। ये पटना गांधी मैदान, ये ठेले वगैरह चाय वगैरह की, चाय वगैरह और खाने पीने की चीज़ें हैं। गाइस, तो आपने देखा ये मुजफ्फरपुर जंक्शन के बगल में सरकारी बस स्टैंड इमली चट्टी, यहाँ से मुख्तलिफ जगहों की बसें जाती हैं, और जो बैरिया बस स्टैंड का जो किराया होता है उससे कुछ कम होता है यहाँ का किराया। तो यहाँ करके आप यहाँ से भी बस से आप सर्विस ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर जंक्शन के करीबी है, आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, ऑटो से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे हैं तो वहाँ से आप बगल में आपको ब्रह्मपुरा भी है, जुरन छपरा भी है, कंपनी बाग भी है, तो कहीं भी अगर बगल में है तो वहाँ से आप पैदल आ सकते हैं। यहाँ का किराया कुछ कम होता है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।